हेलो दोस्तों, मैं मनु, स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल खूनी कर्स में। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक के बारे में बात जिसको लेके आप लोगों को हमेशा गेम में प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम का नाम है फ्री फायर मैक्स लैग प्रॉब्लम। तो भाई आप में से बहुत सारे बंदे का 90% बंदे ऐसे जिनके पास लो डिवाइस का रैम 2GB 3GB 4GB 6GB या फिर आप लोग के पास हाई डिवाइस भी होगा जो कि पुराना होने के कारण आप लोगों का मोबाइल लैग करता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों का जो गेम है वो एकदम मक्खन की तरह और स्मूथ चलेगा। आप लोगों के सामने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम तो आई होगी कि जैसे आपके सामने 3-4 स्क्वाड एक साथ उतरती हैं, फिर आपके सामने 3-4 बंदे एक साथ आ जाते हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों का मोबाइल काम करना ही बंद कर देता है, आप लोगों का मोबाइल पूरी तरीके से लैग होना स्टार्ट कर देता है। या फिर आप में से 90% बंदे ऐसे हैं जिनके सामने हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों के पास चाहे लो डिवाइस हो चाहे आप लोगों के पास हाई डिवाइस हो, आप लोगों का मोबाइल हमेशा हीट ही रहता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है अपना मोबाइल गेम खेलते टाइम। तो आज की वीडियो में आपको दो सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। पहली तो है आप लोगों की फ्री फायर की सेटिंग कि आप लोगों को अपने फ्री फायर जो गेम है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी सेटिंग ऑन करनी है फिर ऑफ करनी, जिससे आप लोगों मोबाइल लैग ना करे। और दूसरी है आप लोगों के मोबाइल की सेटिंग की आप लोग अपने मोबाइल के अंदर कौन कौन सी सेटिंग ऑन या फिर ऑफ करनी जैसे आप लोगों का मोबाइल लैग ना करे। तो चलो भाई बिना किस टाइम वेस्ट को हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 200 डायमंड का गवा पे और चलेंगे। आप में से 2 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड है वो दी जाएंगे। तो अगर आप लोग गवा पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री में 200 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाना। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना, तो आप में से 2 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड है वो दे दूंगा। तो चलो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री फायर मैक्स की सेटिंग के बारे में बात कि आप लोगों को फ्री फायर मैक्स के अंदर या फिर अपने गेम के अंदर ऐसी कौन कौन सी सेटिंग ऑन करनी है या फिर ऑफ करनी जिससे आप लोगों का मोबाइल ना तो लैग करे और ना ही आप लोगों का मोबाइल हीट करे। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं, जो कुछ भी दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को अपना फ्री फायर गेम है उसे ओपन कर लेना। जैसे कि आप लोग फ्री फायर गेम ओपन करोगे यहाँ पर आप लोग को सेटिंग के अंदर जाना, सेटिंग के अंदर आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है रिकॉर्डिंग। अब आप लोग को रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने बहुत सारी सेटिंग आएंगी, तो इन सारी सेटिंगों को आप लोगों को ऑफ कर देना है। अब ऑफ क्यों करना है, क्योंकि आप लोग अगर इनको ऑन करके रखते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को जो बैकग्राउंड में गेम प्ले होता है वो रिकॉर्ड होता रहता है, और अगर आप लोगों को गेम प्ले बैकग्राउंड में रिकॉर्ड होगा तो उस टाइम पे आप लोगों का मोबाइल लैग भी करेगा, आप लोगों का मोबाइल हीट भी करेगा। अब भाई यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग और मिलती है जिसका नाम होता है ग्राफिक सेटिंग। तो ग्राफिक सेटिंग में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लो, मीडियम, हाई। तो देखो अगर आप लोगों के मोबाइल का रैम 2GB से लेकर 6GB तक है तब तो आप लोगों को इसे कर देना है लो पे सेट। अगर आपके मोबाइल का रैम 8GB 12GB फिर 12GB प्लस है तब आप लोगों को इसे करना है मीडियम। तो ये तो आप लोगों की फ्री फायर की पहली सेटिंग। अभी हम आकर सेकंड सेटिंग के बारे में बात, तो आप लोगों को वापस से अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों को वापस से सेटिंग के अंदर जाना है। जैसे कि आप लोग फ्री फायर की सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है नेटवर्क। अब जैसे ही आप लोग नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, पहला तो होता है ऑफ वाला और दूसरा होता है आप लोगों का ऑन वाला। अब आप में से बहुत सारे बंदे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमको नेटवर्क वाला ऑप्शन ऑफ करना है फिर ऑन करना है, और आप में से बहुत सारे बंदों के मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि हमको नेटवर्क से फ्री फायर के लैग प्रॉब्लम है फिर हीट प्रॉब्लम का क्या लेना देना। तो मेरे देखो अगर आप लोगों के फ्री फायर के अंदर नेटवर्क ठीक तरीके से नहीं आएगा तो आप लोग करेक्टर है वो आगे पीछे होता रहेगा, आप लोगों का मोबाइल है वो पूरी तरीके से लैग होगा वो भी नेटवर्क की वजह से। तो आप लोगों का जो नेटवर्क वाला ऑप्शन होता है इसे हमेशा आप लोगों को ऑन रखना है। अगर आप लोग इसे ऑन रखते हो तो उस टाइम पे आप लोगों की जो नेटवर्क कैपेसिटी होती है गेम के अंदर वो बढ़ जाती है, आप लोगों का नेटवर्क ठीक ठाक नहीं रहता है, आप लोगों को नेटवर्क को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग की वो सही हो जाएगी। तो आप लोगों को हमेशा नेटवर्क सेटिंग जो होती है उसे ऑन रखना है। तो ये तो आप लोगों की सेकंड सेटिंग। अभी हम बात करें तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात, तो उसके लिए आपको वापस से फ्री फायर मैक्स की जो सेटिंग होती है उसके अंदर आ जाना है। अब जैसे ही आप लोग फ्री फायर मैक्स की सेटिंग के अंदर आओगे यहाँ पर आपको नीचे साइड का ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है FFmax। तो सिंपली आप लोगों को FFmax पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी सेटिंग आती है जैसे लॉगिन, वीडियो, लॉबी स्टाइल, ऑडियो। तो यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी सेटिंग दिख रही है सारी सेटिंग को आप लोगों को ऑफ पर क्लासिक पर सेट कर देना। लेकिन आप लोगों को इसमें एक सेटिंग और देती है जिसका नाम होता है HD टेक्चर, तो वो आप लोगों की सेटिंग जो होती है वो ऑफ होती है। तो सिंपली आप लोगों उस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। HD टेक्चर को ऑन करने से क्या होता है कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो भी क्लियरिटी आती है फिर बंदा जो भी आप लोगों को दिखता है वो इसकी वजह से क्लियरिटी आती है। तो आप लोगों को हमेशा HD टेक्चर वाला ऑप्शन ऑन पर सेट करना है, और यहाँ पर आप लोगों को बाकी जितनी भी सेटिंग दिख रही है सारी सेटिंग को ऑफ पर क्लासिक पर सेट कर देना। तो ये तो आप लोग की तीसरी सेटिंग। अभी हम बात करें चौथी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं, तो इसके बदले बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। और यार देखो लाइक और सब्सक्राइब करने में 3 या 4 सेकंड का टाइम लगता है, तो यार एक बार नीचे की साइड देख लो, मेरे कहने से इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ यार हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पर सेट कर देना। तो चलो भाई अभी हम आगे चौथी और सबसे लास्ट सेटिंग के बारे में बात, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो प्रोफाइल वाला आइकन दिख रहा है सिंपली आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप लोग प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी सेटिंग आती है, तो आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाली सेटिंग दिखेगी। तो जैसे ही आप लोग रिकॉर्डिंग वाली सेटिंग पर क्लिक कर दो तो वहां पर भी आपको 2 सेटिंग मिलती है, पहली तो होती है आप लोगों की रिप्ले और दूसरा होता है आप लोगों का माई वीडियो। तो आप लोगों को सिंपली रिप्ले वाली जो सेटिंग होती है उसको भी ऑफ
ऑफ कर देना है, और माई वीडियो के अंदर भी आप लोगों को दो सेटिंग मिलती है, तो इन दोनों सेटिंगों को भी आप लोगों को ऑफ पे सेट कर देना है। ये रिकॉर्डिंग वाली जो सेटिंग आपको दो दिखती है, इन दोनों को भी ऑफ इसलिए करना है क्योंकि आप लोगों का ये बैकग्राउंड में गेम प्ले रिकॉर्ड करती रहती है, जिससे कि आप लोगों का मोबाइल या तो हीट करेगा या फिर आप लोगों का मोबाइल बजर लैग करेगा। तो इन दोनों सेटिंगों को आज के आज ही ऑफ पे सेट कर देना है। आज की इस वीडियो में आपको चार सेटिंग बताई, अगर आप लोग इन चारों सेटिंगों को ऑन कर लेते तो आप लोगों का मोबाइल कभी भी लैग नहीं करेगा, ना ही आप लोगों का मोबाइल हीट करेगा, आप लोगों का मोबाइल एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलने वाला है। तो मेरे इसके बदले बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। और आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त भी होंगे जिनका मोबाइल लैग करता है, तो आज की इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप लोगों को फ्री में दोरा डायमंड चाहिए तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखे, तो जाके उस वीडियो को देख लेना। वहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री में दोरा डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।